तो दोस्तों फाइनली Honor 8X में EMUI 10 की अपडेट आ ही गई है और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर Honor 8X में कौन कौन सी फीचर्स देखने को मिली है EMUI 10 के अपडेट के बाद। जी हाँ दोस्तों, पूरा फीचर्स आपको हम बताएंगे, क्या कुछ आपको मिल जाती हैं इस अपडेट में और क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिली है EMUI 10 के अपडेट के बाद, वो भी इस वीडियो में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट किया और अपडेट नहीं मिला है तो जल्द मिलेगी, लेकिन अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अब आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिक्रूटमेंट फुल हो चुकी है, 300 यूजर्स के लिए ही थी। तो यहाँ पर बीटा अपडेट के लिए अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो वो अपडेट तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अप्रूव करेगी तब अगर 300 यूजर्स ने अपडेट ले लिया होगा तो वो बीटा अपडेट अब आपको नहीं मिलेगी। जल्दी स्टेबल अपडेट मिलेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपको अपडेट नहीं मिली है तो खुशी की एक और बात है कि बहुत सारे बग्स अभी देखने को मिल रहे हैं इस EMUI 10 के अपडेट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फीचर्स आखिर आपको क्या कुछ मिल जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि EMUI 10 के जितने भी फीचर्स हैं वो आपको मिलते हैं कि नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है EMUI 10 के सारे फीचर्स तो आपको नहीं मिलेंगे चूँकि वो डिवाइस वाइज होती है, भले ही हमारा जो है OS सपोर्ट करे लेकिन अगर हार्डवेयर कंपेटिबल नहीं है तो सारे फीचर्स आपको नहीं मिल पाते हैं। बात करेंगे सबसे पहले कैमरा परफॉर्मेंस की। तो कैमरा परफॉर्मेंस जो है खासकर पोर्ट्रेट मोड में, इसे इंप्रूव किया गया है EMUI 10 के अपडेट के बाद, लेकिन जो आप स्लो मोशन वीडियो जितनी देर रिकॉर्ड कर पाते थे आप उतनी ही देर रिकॉर्ड कर पाएंगे, उसको इंक्रीज नहीं किया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर कैमरा में पोर्ट्रेट शॉट्स, यहाँ जहाँ पे एक और दिया गया है आपको, यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है, लेकिन दोस्तों एक यहाँ पे निराशा हाथ लगी है कैमरा को लेके कि इस बार भी EIFs की अपडेट आपको नहीं मिल रही, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन इस अपडेट में भी नहीं है। तो फाइनली अब आपको EIS Honor 8X में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर हम बात करें बैटरी परफॉर्मेंस की, तो बैटरी जो है ड्रेनिंग इशू यहाँ पे डेफिनेटली फिक्स हुआ है, बैटरी की बैकअप जो है अब पहले की अपेक्षा अच्छी है। यहाँ पे एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस जो है पहले की अपेक्षा काफ़ी तेज़ी से ओपन हो रहे हैं, वहीं पर नोटिफिकेशन पैनल जो है टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से, इसीलिए तो EMUI जो है वो सबसे अलग UI है और ये खासकर बैटरी फ्रेंडली भी है। तो दोस्तों फाइनली जो है इसका UI जो है EMUI 10 का वो मुझे काफ़ी बेटर लगा है देखने में। अगर हम किसी भी कस्टम UI की बात करें तो वहाँ पे साउंड क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो पहले से काफ़ी अच्छी है साउंड क्वालिटी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप हेडसेट के ज़रिए अगर आप सुनते हैं साउंड तो वो क्वालिटी थोड़ी सी यहाँ पे बेकार हो चुकी है पहले की अपेक्षा। तो बहुत जल्दी ही इसे फिक्स किया जाएगा, चूँकि ये बीटा अपडेट है इसलिए हम सब कुछ मान के चलते हैं कि फिक्स किया जाएगा। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे ग्राफिक इंप्रूव किया गया है, चूँकि आप जानते हैं कि EMUI 10 में GPU Turbo 3.0 का इम्प्लीमेंटेशन है, साथ ही साथ आपको डार्क मोड की भी फीचर मिल जाती है, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ सिस्टम एप्लीकेशन के लिए है। अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो अगर एप्लीकेशन में डार्क मोड है तो वहाँ पर डार्क थीम आप लगा सकते हैं, नहीं तो वो चीज़ें यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। वहीं पर अगर हम दोस्तों गेमिंग की बात करें तो गेमिंग जो है पहले का अपेक्षा काफ़ी अच्छा प्ले कर पाएंगे यहाँ पे इस EMUI 10 के अपडेट के बाद, जो है अल्ट्रा स्मूथ फीलिंग होगी आपको गेमिंग करते हुए, ये यहाँ पे कोई भी इसमें डाउट नहीं है। अगर हम बात करें फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक की, तो पहले से थोड़ा फास्टर है क्योंकि पाई अपडेट के बाद जो है जो भी अपडेट आती है वो थोड़ा सा अपग्रेडेड होती है, तो पहले से मतलब एप्लीकेशन भी ज़्यादा तेज़ी से ओपन हो रहे हैं, गैलरी भी आपका फास्ट ओपन हो रहा है, कैमरा भी अच्छी तरीके से ओपन हो रही है, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक भी थोड़ा जो है तेज़ी से वर्क कर रही है एंड्रॉयड पाई के अपेक्षा। वहीं पे अगर हम बात करें कुछ और चीज़ें की, तो यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लूड किया गया है थोड़ा बहुत एनिमेशन को, और ओवरऑल अगर हम इस अपडेट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों गूगल सेटिंग्स ऑप्शन जो है अभी ओपन नहीं हो रही, इसमें बग्स चल रहे हैं तो इसे फिक्स किया जाएगा, और साथ ही साथ रैम मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है इस अपडेट के बाद, अब पता नहीं ये कब तक। हालाँकि एक और अपडेट हमने फर्मवेयर फाइंडर पर देखा है कि लगातार जो है रिलीज़ किए गए इस बीटा अपडेट के बाद, तो हो सकता है वो अपडेट आपको मिले और उसके बाद इसे फिक्स किया जाए। स्लो मोशन वीडियो की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्लो मोशन वीडियो की क्लैरिटी जो है वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है इस अपडेट के बाद, और साउंड क्वालिटी को तो मैंने पहले ही बता दिया है कि साउंड क्वालिटी हेडफोन के जरिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट साउंड सुनते हैं या फिर म्यूजिक
तो वो बिना हेडफोन के अगर आप यूज़ करेंगे तो वो चीज़ें आपको पहले से ज़्यादा ही बेहतर देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल एक छोटी सी यहाँ पे अपडेट मैंने दे दिया है फीचर्स को लेके कि क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है और क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों अगर ये अपडेट आपको नहीं मिला है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं अभी भी जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी कुछ फीचर्स EMUI 10 के Honor 8X के ऊपर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। और बात करते हैं अगर स्टेबल अपडेट की, तो दोस्तों आने वाले ये 10 से 15 दिनों के अंदर स्टेबल अपडेट भी ग्लोबली रोल आउट किया जाएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको स्टेबल अपडेट भी दिया जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।